हेलो दोस्तों, आज हम बनाएंगे खोए की पिन्नी। उसके लिए मैंने आटे को भून लिया है, ब्राउन कर लिया है और उसके बाद मैं इसको परात में डालूंगी ठंडा करके। और ये पिन्नियाँ हमारे पंजाब की फेमस डिश हैं। सर्दियाँ शुरू होते ही हमारे घर में ये बहुत बनती हैं। ये बहुत हेल्दी भी होती हैं। अब ये हमारा जो आटा है ये ठंडा हो गया है, इसमें अब हम मिलाएंगे खोआ और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और पंजाब के लोग जैसे कि लोहड़ी वगैरह होती है तब भी ये बहुत बनाते हैं लोहड़ी के टाइम पे, और पूरी सर्दियां बनती हैं। अब हम खोए को अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि ये अच्छे से आटे में मिक्स हो जाए। ये हमारा अच्छे से मिक्स हो गया है खोआ और आटा। अब हम इसमें डालेंगे चीनी स्वाद अनुसार और फिर इसमें जाएंगे ड्राई फ्रूट्स, किशमिश, बादाम, काजू। आप इसको अपने हिसाब से डाल सकते हैं, जैसे कि पिस्ता वगैरह जो आपको अच्छा लगे, नारियल, कुछ भी जो आप डालना चाहें इसमें। और फिर हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि ये खोआ, ड्राई फ्रूट्स, ये सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो जाएं। और ये पिन्नियाँ हमारे शरीर को गर्मी देती हैं सर्दियों में, और ये हमारी शरीर के लिए हेल्दी भी होती हैं। हमारा पेस्ट ये तैयार हो गया है, देखिए कितना अच्छे से मिक्स हो गया है। और अब हम इसको पिन्नियों की शेप देंगे। आप इसको गोल, लंबी, जो चाहे मतलब अपनी पसंदी की शेप दे सकते हैं। मैंने इसको पिन्नी का शेप दिया है, देखिए ये कितनी अच्छी लग रही हैं। और ऐसे ही हम ये सारी पिन्नियाँ बना लेंगे। आप भी ये पिन्नियाँ एक बार जरूर ट्राई करें। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें।